चलिए, सवाल में ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज कितना 11.1 शुरू करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का बेसिक हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। सब रिवाइज करके आया है सब, कौन वगैरह है। कल एक क्वेश्चन दिए थे कि क्वेश्चन था 7.6 कितना 6 cm का एक रेखाखंड को समद्विभाजित करना, किया है भाई। चलो कॉपी निकालो, हम कॉपी पर मिला देते ही। देखिए कितना बनाना है भाई साहब, तो 7.6 जीरो हो गया, यहाँ से लीजिएगा जीरो हो गया, नहीं जीरो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 8 के बीच में आधा है, 5 है लिखल, ये 7.5 हो गया। 7.6 कितना चाहिए, 6 ना, ये हो गया 7.6, दिख रहा है 6 लिखा है ना। अरे भाई इसको ठीक से, चलो अब यहाँ पे रखो भाई, कोशिश करना बीच में लेने के लिए, ठीक है। लाओ अथी लाना, प्रकार लाना, यहाँ पे अथी कर लेना, इसको जो है क्या करना, थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। अरे यहाँ पे 7.6 किया, हो गया। अब इसको क्या करो, मिलाओ, मिला है। इसको समद्विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आधा से ज्यादा लेना है, आधा से ज्यादा ले रहे हैं। चलो हो गया, ठीक है ना। घसने लगता है तो उसे घसना नहीं, ऐसे रखो, मिलाकर अच्छा से जो है खींच दो, मिला, ये हो गया 7.5। डॉट डॉट से भी मिला सकते हो, ठीक है। ये हो गया, देखो दोनों सेम है ना, सेम स्केल से माप सकते हो। 7.6 कहने का मतलब कितना है आना चाहिए, देखो यहाँ पे आ रहा है, 4 में 2 कम 8 पर आ रहा है, यहाँ पर भी देखो 8 पे आ रहा है ना, यानी कहती है करेक्ट है। चलिए ये बन गया। चलिए भाई अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालिएगा और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। सवादमी कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए, यानी कारण भी लिखना है, तो बनाने का स्टेप ध्यान रखना। जैसे जैसे बनाओगे, ए लड़का सुनो, जैसे जैसे बनाओगे ना वैसे वैसे स्टेप भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे लिखना पड़ेगा रचना, क्या बोलते हैं, रचना के चरण करके बना लोगे या फिर लिखना पड़ेगा रचना के चरण, यानी किस किस स्टेप में बनाए सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 7.6 cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए। सबसे पहले कथी करेंगे, एगो हम लोग रेखाखंड लेंगे कितना 7.6 के, मान लें कि यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 1, 7.6 cm का एगो कथी लेंगे, रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भाग को मापिए, और दोनों भाग को कथी करना है मापना भी है, यानी कहने का मतलब 5:8 में, और कितना अनुपात में बांटना है, 5:8 में विभाजित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे देख लो यहाँ पे, फिर कॉपी पे हम बताएंगे, देखो यहाँ गौर से। सबसे पहले 7.6 cm का एगो रेखाखंड खींच लिए, कितना हो गया 7.6 cm का एगो रेखाखंड हो गया, ठीक है। इसके बाद बांटने के लिए बोला है, उसके लिए प्रक्रिया क्या है कि यहाँ पे वो न्यून कोण बनाएंगे, कौन सा कोण, न्यून कोण होता है 0 से 90 डिग्री के बीच वाला, 60 के हो गया न्यून कोण, 75 के न्यून कोण हो गया है ना, 45 भी कथी हो गया, एगो जो मन है वो बना लो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, लंब हो गया, तो लंब नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री वाला तो न्यून कोण नहीं होगा, इससे कम लेंगे। इससे कम लेने के लिए क्या करेंगे, या तो 60 डिग्री के यहाँ एंगल बना दो, नहीं तो एगो चाप लेके अपना मन से एगो खींच दो, वो न्यून कोण होगा, 90 से तो कम ही ना होगा, तो वो कथी होगा न्यून कोण होगा, ना तो 60 डिग्री तू बना दो तोर मर्जी, ठीक है। चलो तो हम मान लें कि ऐसे किए, यहाँ से ऐसे रखे, फिर यहाँ से काट दिए, ठीक है, 60 डिग्री हो, इसको मिला दिए, कथी हो गया न्यून कोण, और नहीं बनाए मतलब बना भी सकते हो, नहीं बनाए डायरेक्ट ऐसे भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, न्यून कोण बन गई, ये हो गया कथी न्यून कोण, सीधा नन्नू है, अरे सीधा नन्नू है, ये ऐसे रहता था ना न्यून कोण नहीं होता, 90 डिग्री होता, ऐसे सीधा खींच दिया तो मतलब कथी न्यून कोण है, 90 से कम है ना, और 0 से बड़ा है मतलब न्यून कोण, सिंपल सी बात, समझ में आ रहा है, या तो 60 बना दो चाहे डायरेक्ट मिला दो, कोई दिक्कत। चलिए अब इस पे कितना है, देख लो यहाँ पे 5:8 है ना, तो दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है, अरे बोलो भाई जो दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है, यो बोलना मतलब गजब हाल है, 13 हो रहा है, 13 को चाप काटेंगे, कितना चाप काटेंगे, 13 को चाप,
ऊपर काटो चाहे नीचे, बात सेम है, 13 गो चाप काटेंगे, ठीक है। सुनो पहले, ऊपर काटो चाहे नीचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब आदमी नीचे काटेगा, ठीक है। सब एक जैसे बनेगा तो फिर हमको समझने में आसानी होगा, ठीक है। सब आदमी सेम मतलब चाप अब लेंगे, कै गो, 13 गो चाप लेंगे इस तरह से। इतना डबल भी न लेना है कि कॉपी पर नट, और इतना छोट भी न लेना है कि तुमको बनाने में ही न बने, इसलिए मीडियम चाप लेना है। कै गो, 13 गो, फर्स्ट चाप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हो गया। सबके समान दूरी होना चाहिए, मेरा इधर उधर हो गया होगा तो माइनस कर देना। इसका नाम ए है, इसका नाम कथी है, बी है, तो इसका नाम हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, और इसका नाम रखना X, ठीक है। कितना बोला है, 5:8 में विभाजित करने के लिए, तो क्या करेंगे भाई साहब, अब हम लोग इसको पांच अनुपात आठ में बोला है क्वेश्चन में, देखिए 5:8 में बोला ना इसको विभाजित करने के लिए, तो अंतिम से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। कथी से, इसका नाम बी है ना, अंतिम है ना, इसको मिला देंगे। अंदाज से नहीं मिलाना है, स्केल रख के मिलाना, ठीक है। मेरे पास इतना डबल स्केल नहीं है इसलिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, ये चाप इसे नीचे भी हो सकता है या इसे ऊपर भी जा सकता है, ऐसे कोई दिक्कत, कहने का मतलब यहाँ ये 13 पर यानी ये 13 पर चाप लोगे तो ये 12 के ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है, बस कोई दिक्कत। चलो हम चाप को ले रहे, मान लो कि ऊपर चल गया चाहे नीचे भी रह सकता है, ठीक है। कॉपी पर भी बनाएंगे तो बताएंगे, हो गया। फिर यही चाप A5 पर लो, A5 पर, जब यहाँ ऊपर गया तो यहाँ भी ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा तो यहाँ भी नीचे जाएगा, ऐसे हो गया। इसको मापो, यहाँ पे रखो, ऐसे मापो, ऐसे रख के माप लेना, मापोगे, मापने के बाद यहाँ रख के खींचो ऐसे, ठीक है। खींचोगे तो लगभग ऐसे कटेगा, ठीक है। ये माप लिया ना, मापने के बाद यहाँ रख के खींचा तो ऐसे कट गया, कट गया तो यहाँ से रखो और इसको कट करो, मिला तो ये पास मिल गया, लग रहा है इस समांतर है, इस समांतर लग रहा है, मापोगे तो दोनों अनुपात, ये 5:1 देखो, 1 2 3 4 5 को हिस्सा ही हो गया, ये देखो इधर 8 को हिस्सा हो गया, देखो गौर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हिस्सा बट गया 5:8 में, यही हो गया। अभी काम जो किए इसको रचना के चरण में हम लोग लिख देंगे, लेकिन उससे पहले को भी पर इसको कैसे बनाएंगे इसे देख लीजिए, ठीक है। चलिए कितना लेना है, 7.6, चलिए तो ऊपर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 7.6, हो गया ना। चलिए हम खींच रहे हैं यहाँ पे लाइन, हो गया। अब भाई साहब हो गया तो यहाँ पे ऐसे बुंदा दीजिए, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे न्यून कोण बनाना है तो न्यून कोण बना लीजिएगा, ठीक है। या तो 60 डिग्री बना लीजिए, या क्या कीजिए है, 60 डिग्री बना देंगे, डायरेक्ट खींचते, डायरेक्ट खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे न्यून कोण है, ऐसे सीधा कर देंगे तो लंब हो जाएगा, यानी 90 डिग्री पर होगा तो न्यून कोण नहीं होगा, ऐसे बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत। लो भाई 13 आना चाहिए, थोड़ा अच्छा से खींचना, लंबा बड़का है, बड़का नहीं है, कले था ना बड़का कोई केस केल, ठीक है। चलो लेके देखो इस पे 13 को आता है कि नहीं, चाप तनी तनी को लेना, इतना भी तनी को ना, एक चेंज नहीं होना चाहिए ना तो गलती आएगा, दो नौ टेका लगता है, यह पता, तीन चार
दिख रहा है सबको? पांच हिलेगा तो फिर नहीं आएगा आंसर, दिख रहा है? छ में इतना आ गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, छहल गया इधर से यहाँ, छ है ना, सात आठ, गिनना भाई एक बार, नौ दस, गिनो तो एक बार, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इसको फिर बढ़ाना, इसलिए बोले थे बड़का लेने के लिए, समझा? बड़का स्केल है किसी के पास? एक क्वेश्चन में इतना लंबा खिंचाएगा, बाकी में नहीं खिंचाएगा, थोड़ा अंदर लेना ताकि लाइन पर खिंचाएगा, गड़बड़ा गया ना? ठीक है, तीन बार खींचना है ना, चाप चेंज चेक कर लो, गड़बड़ा रहा है ना है? चाप बार बार अन्य करोगे तो गड़बड़ाएगा, कितना हो? ग्यारह बारह, देखो मोबाइल में दिख रहा है रे तेरा, ठीक है? चलो ये वो किरण है, किरण किरण, इसका नाम कथी है, इसका नाम कथी दे देंगे एक्स, इसका नाम ए, इसका नाम बी, क्या करना, लास्ट वाला से इसको मिला देना, इसका नाम कथी हो गया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन ए इलेवन ए ट्वेल्व और ए थर्टीन, ठीक है? लास्ट से इसको मिलाइए, कैसे मिलेवे नहीं करेगा, बड़का स्केल चाहिए भाई, देखो जल्दी। चलो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है? ए तेरह से बी को कथी करेंगे, ध्यान रखो, ठीक है? थोड़ा सा दिखना चाहिए तभी मिलेगा, दिख रहा है कौशल? हिल डोल करेगा तब ना मिलेगा, ठीक है? मिल गया ना? अब क्या करेंगे इसे ध्यान दीजिएगा, ए तेरा पर एगो चाप लेंगे, जहां पे बिंदु हो ले उतना, या तो इससे बाहर लो चाहे अंदर लो, तो थोड़ा बाहर लेंगे ताकि डबल हो, ठीक है? थोड़ा सा और बाहर ले लेते, ठीक है? ठीक है रे बुआ, दिखाई? यही यही चाप कहाँ खींचेंगे? ए पांच पर, ऊपर मतलब कहाँ है? ए पांच पर, बिंदु होल होगा, बोले थे ना कि इससे बाहर होगा तो इससे भी कथी होगा, ए फोर से कथी चल जाएगा बाहर, चलिए हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको मापेंगे, इसको मापिए, ठीक है? देख रहे हैं थोड़ा सा और होगा अंदर, ठीक है? माप लिए, मापने के बाद यहाँ रखिए, ध्यान दो भाई ना तो भूल जाओगे, और इसको कथी करेंगे, खींच देंगे, काटेंगे, ऐसे काट दिए भाई। यदि मान हम लोग हिल डोल नहीं किए होंगे तो सही समांतर काटेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फिर ए फाइव से इसको कथी करेंगे, मिला देंगे, यहाँ पे रखो सबसे अच्छा इसको, लग रहा है कट ही रहा है ठीक ठाक, ठीक है, सही कटा है, इतना नहीं दिख रहा है, ठीक है? चलिए एक चीज बताओगे हमें, यहाँ पे जो चाप लिए हैं आगे पीछे कर सकता है यहाँ वाला, ठीक है ना, जो ऐसे काटे है ना, वही चाप आगे पीछे कितनों कर लो, इतनी काहे ना ले लो, वही चाप यहाँ पे खींचना ए पांच पर, ठीक है? ऐसे, लेकिन फिर इसके बाद इसको मापना और तब यहाँ पे खींचे, ध्यान रखा सर? चलिए ठीक है, वह इसका नाम सी रख दीजिएगा, ठीक है? हो गया, अब जो भी काम किए स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छी करेंगे, रचना के चरण में हमने लिख दिया है, रचना के चरण पूरा काम कीजिएगा तभी आपको पांच नंबर देगा, नहीं तो खाली फिगर बना के छोड़ दीजिएगा
तो अढ़ाई नंबर, अढ़ाई नंबर काट लेगा, सुन लो, आधा नंबर इस पे मिलेगा, आधा नंबर इस पे मिलेगा। आए याद करना है, जैसे जैसे काम किया वैसे लिखना, जरूरी नहीं कि हम जैसे लिखा वैसे लिखेगा, जो जो जैसे जैसे काम किया वैसे लिखा, देखो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया, लिखे थे एक रेखाखंड ए बी खींचे जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे आगे ऐसे भी लिख सकते कि सबसे पहले एक रेखाखंड, सबसे पहले वर्ड जो अभी बोले वो भी आगे लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, सबसे पहले कि एक रेखाखंड ए बी खींचे जिसकी लंबाई कितना है 7.6 सेंटीमीटर। ये लंबाई कहाँ से, क्वेश्चन में कहा था, ठीक है, बिंदु ए पर। उसके बाद बिंदु ए पर क्या किया है, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बी ए एक्स बनाया, बनाया कि नहीं, ये पर न्यून कोण बनाया कि नहीं, इसका नाम क्या है बी ए एक्स, ये कोण बनाया इसका नाम क्या है बी ए एक्स। तो 60 डिग्री काट सकता है या देख इसको खींच सकता है, बताया ना। चलो फिर क्या किए, बिंदु ए पर एक ये तो हो गया, किरण एक्स पर, ये किरण है एक्स, किरण नहीं है, पढ़ा नहीं है रे नाइन्थ में, किरण होता है, तो किरण कथी पर ए एक्स पर 13 बिंदु A1 A2 कहा तक ए 13 तक काटे है कि नहीं, जहा देखो इसको कथी बोलेंगे ए ए वन बोलेंगे, इसको कथी बोलेंगे ए ए वन ए टू कहेंगे, इसको कथी ए टू ए थ्री कहेंगे, समझा रहा है, जहाँ ए ए वन बराबर कथी ए वन ए टू के, ठीक है, फिर ए वन ए टू बराबर कथी के ए टू ए थ्री के, यानी सब बराबर है, तो ही लिखेंगे यहाँ पे देख लो, ए वन ए कथी ए ए वन बराबर है ए वन ए टू के, ए टू ए थ्री के, ए थ्री ए फोर के, ए फोर कहाँ तक 13 तक, ठीक है। फिर कथी के ए 13 से बी को बोलो, रटने की जरूरत है नहीं, जो काम किया इसी ने किया है काम, मिला दिए। फिर क्या किया भाई साहब कि ए कोण ए ए 13 बी बराबर कोण ए ए 5 सी खींचे, खींचे कि नहीं, देखो ए ए 13 बी पहले खींचे, उसके बाद कथी के इसी के साथ इसी के जैसा इसी के बराबर, फिर कथी किए ए ए 5 कथी सी खींचे कि नहीं, दोनों बराबर खींचे थे ना, इसलिए लिखे ए मतलब कोण ए ए 13 बी बराबर कोण कथी ए ए 5 सी, कोण के नाम लेने आता है ना, हाँ दसवां में चल गए ये सब तो सिखाई ले बहुत पहले। अब गौर से देखिए आप लोग, आप नाइन्थ में पढ़े होइएगा कि एक ही तरफ के अंतः कोण ऐसे है, दिख रहा है, मान लो तुमको ध्यान होगा कि यदि समांतर रहता है देले, ठीक है ना, तो ये एक तिरछा खींचे होंगे, याद करो ऐसे, तो एक ही तरफ के अंतः कोण कथी होता है, एक ही तरफ के अंत कोण का 100, ठीक है ना, कहने क्या, हाँ एक ही तरफ के अंतः कोण 100 कथी होता है, लेकिन जब अंदर वाला बाहर वाला कोण होता है तब याद है, अंदर वाला कथी एगो अंदर वाला रहता है, आयो कथी बोला बाहर वाला, इस तरह से देखो घर से, देखो अंदर वाला है एगो कथी है बाहर वाला, बाहर अंत एक ही तरफ कथी हो गया, एकांतर कोण कह सकते हैं, एक सॉरी एकांतर कोण कह रहे हैं, संगत कोण बोले, सॉरी संगत कोण कहेंगे इसको, कथी कहेंगे बुआ संगत कोण कथी कहेंगे हम लोग, दुयो रहेगा तो हो सकता है, ऐसे भी रहेगा तो हो सकता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, संगत कोण है एक ही तरफ वाला गुण, यहाँ पे नहीं संगत कोण वाला गुण लग रहा है ना, देखो गौर से ये बाहर है ये अंदर है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये दोनों कोण कथी है संगत कोण है ना, तो संगत कोण है तो संगत कोण के प्रतिलोम से मान लो कि ये समांतर दिले रहता है तो संगत कोण बराबर है, लेकिन समांतर न दिले रहता है तो संगत कोण कथी होता है दिले रहता है, और संगत कोण दिले रहता है तो कथी होता है समांतर हो जाता है, न्यायिक में हम लोग पढ़े थे ना, तो वही थ्योरम पढ़े थे, वही थ्योरम से लिख देंगे संगत कोण के प्रतिलोम से, यहाँ संगत कोण दिले है बराबर, तो लिख देंगे संगत कोण के कथी से प्रतिलोम से हाई लाइन में और हाई लाइन में कथी हो जाएगा समांतर, यानी कह सकते हैं हाई और हाई समांतर, यानी लिख दिए यहाँ पे कथी कि ए 5 सी इसका नाम है ना ए 5 सी और ए 13 बी कथी हो गया समांतर हो गया कथी था संगत कोण के प्रतिलोम से। अब याद कीजिए हम लोग थ्योरम थ्योरम पढ़े हैं, थ्योरम थ्योरम में एक त्रिभुज रहता है उसमें समांतर बाटले रहता है, आए त्रिभुज में कथी रहता है याद करो थ्योरम में इस तरह से ये बाटले रहता है ये समांतर दिले रहता है, तो इतना बटा इतना, इतना बटा इतना ना होता, चाहे इतना बटा इतना, इतना बटा जैसे इधर लेगा वैसे इधर लेगा, है ना ध्यान थेरस वाला। चलिए तो वही हम कह दे कि ए ए 5 देखो कहाँ है ए, यहाँ पे गौर से देखो ए ए 5 ही हो गया ए ए 5 बटा ए
ए ए 13 है ना, यानी इतना बटा कितना कर ले है एक तरफ, इतना कर ले है ना, ए ए 5 बटा का थी ए ए 13, यानी कह सकते हैं इतना बटा का थी इतना एक तरफ है कर ले, देखो गौर से। तो इधर भी तो इसी में होगा ए सी बटा का थी ए बी होगा, इधर भी इधर इतना लिया है, इधर इतना लिया है तब इतना लिया है, तो इधर भी तो इतना लेगा तब इतना लेगा है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग तो लिए हम लोग ए सी बटा का थी सी बी। और गौर से देखिए इसका वैल्यू कितना है, पांच भाग में है ना रे, एक दो तीन चार पांच, पांच भाग में है, इसके बराबर पांच हो गया। इस देखो तो ए फाइव से ए 13 तक का भाग है, आठ है, ए फाइव से आठ को भाग है, तो आठ यहाँ पे लिख दे इसके सामने, और चूंकि ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि ए सी और सी बी बटा को अनुपात भी कभी कभी हम लोग कहते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि ए सी या सी बी को जोड़ेंगे तो देखो ए सी और सी बी को जोड़ेंगे कथी हो रहा है, ए बी हो रहा है, यानी कह सकते हैं ए बी को हम लोग ने इतना और इतना अनुपात में बांट दिया, अर्थात पांच अनुपात कितना में बांट दिया, तो लिख देंगे अंतिम, अतः ए सी अनुपात सी बी बराबर कितना, पांच अनुपात आठ, यही तो हमको करना था, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, क्वेश्चन नंबर कितना दो, क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि चार सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर और छह सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के कितना दुगुनी हो, दो बटा तीन गुनी हो। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ध्यान रख रहे हैं कि अभी जो काम किए थे ना वही काम करेंगे, ठीक है ना, और दो बटा तीन गुनी है तो जो बड़का होगा ना, ठीक है, जो बड़का होगा दो बटा तीन में देखो तो बड़का कौन है, दो बटा तीन में बड़का कौन है, दो की तीन तीन बड़का है, तो चाप तीन वो लेंगे, जो बड़का होगा उतना चाप लेंगे, ठीक है ना, एक चीज और देखो तो गौर से इसको भाग देगा तो एक से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, इसको भाग दोगे तो सिंपल सी बात है, अभी तक इसे जानकारी नहीं है तो बहुत दुख की बात है, सिंपल सी बात है ये एक से कम आएगा, जब बटा में उपरका से निचलका ज्यादा आता है ना, निचलका वाला ज्यादा आता है तो एक से हमेशा कम ही आता है आंसर, ठीक है ना, इसको भाग दोगे तो, समझा समझा कि नहीं, ये कितना है बीस हो गया था, कितना छतरी अठारह जीरो दशमलव छह 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 आएगा, एक से कम हुआ कि नहीं है, तो ऐसे स्थिति में यानी बटा वाला ज्यादा हो ना, तो ऐसे स्थिति में जो फिगर बनाओगे जो दिले रहता है और फिर बाद में जो फिगर बनेगा वो अंदर बनेगा, कहाँ बनेगा, लेकिन ऊपर का ज्यादा हो निचल का कथी हो छोट कम हो तो उस स्थिति में फिगर कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, ये चीज ध्यान रख लो, गलती बना के सही जा सकते हो कि बड़ा है यानी निचल का बड़ा है तो कथी एक से कम है ना, इसलिए अंदर फिगर बनेगा, ऊपर का बड़ा होगा तो एक से ज्यादा होगा इसलिए फिगर कहाँ बनेगा, बाहर। और जब गुनी कहता है गुनी कितना गुनी है तो जितना बड़का होगा जो बड़का होगा उतना ही चाप लेना बस, ठीक है। आइए प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए हैं, अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे, चार पांच छ, चार पांच और कितना कोई एगो ले लो तुम उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो चार पांच और कितना लेंगे हम लोग छ। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला एगो रेखा खंड ले लेंगे ना, कोई ले सकता है, जरूरी नहीं कि पहले चार ले पांच ले छह, कोई ले सकता है, तो हम लोग बीच में कौन है, चार है कि पांच है, पांच, तो पांच सीएम का एगो रेखा ले रेखा खंड लेंगे, ठीक है, ये मान लीजिए कितना है पांच सीएम का एगो रेखा खंड खींचे, ठीक है। उसके बाद इस पे जो है क्या करेंगे, उसके बाद क्या बोला है, रचना करना है त्रिभुज का, इसके बाद चार भी है छ भी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चार सेंटीमीटर और कितना छह सेंटीमीटर, एगो चाप लेंगे, एगो चाप लेंगे, चार सीएम का होना चाहिए, ये पांच हो गया ना, तो अगला चाप कितना होगा चार, इस तरह से काटेंगे, इधर बना चाहिए इधर बना, तो हम लोग ऊपर बनाएंगे ऐसे करेंगे, चौथा काटा कितना काटा चार सीएम, इधर से लेंगे कितना छह सीएम, कितना छह सीएम के चाप लेंगे, मापेंगे स्केल पर रख के माप लेना चाप, ठीक है, ये हो गया छह सीएम, ठीक है, मान लो कि इस तरह से अरे यार कटो, इस तरह से कटा, कट गया, कटान बिंदु को मिलाएंगे, इस तरह से मिला, इस तरह से इसको मिला दिए, ठीक है, मिलाए, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, कोई दिक्कत, अब इस पे कथी करें, न्यून कोण बनाएंगे, हो गया, चलो तो इसका नाम कथी है ए, नाम किताब में नहीं दे ले है, देखो तो बी हो गया, किताब नहीं दे ले है, चलो अब क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम, नाम दे ले नहीं ना, देख लेना एक बार, नाम दे लेगा तो वही नाम लेना पड़ेगा, ठीक है, चलो तो न होगा तो हम इसका नाम दे देते कथी बी, देते इसका नाम, ठीक है, इसका देते हैं
सी, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, ठीक है कोई दिक्कत, यहाँ सी कर देंगे, सी बी दे लेते, यहाँ सी हो गया, ठीक है। चलो बी क्या काटना है चाप, 2/3 गुनी बोला है ना, कितना गुनी बोला है, ये ना बोला रे 2/3 गुनी, टवरगी ना ना ये वाला ना दे, ठीक है। तो जो बड़का है उतना चाप खींचेंगे, तो कौन बड़का है, 3 है, तो एगो चाप, 2 चाप, 3 चाप। ऐसे स्थिति में क्या होगा, फिगर कहाँ बन रहा है, इसे ध्यान देना पड़ेगा आपको, कहाँ बन रहा है फिगर, अंदर की बाहर, हम बताए ना कि फिगर कहाँ बनेगा, से कहाँ से डिसाइड करेंगे, यहाँ से, एक से बड़ा होगा तो बाहर, एक से छोटा होगा तो एक से बड़ा है कि छोटा, ये पहचानने के लिए ट्रिक है कि निचलका जो है जब बड़ा हो तो एक से क्या होगा आंसर, और ऊपर का बड़ा हो तो एक से बड़ा, ठीक है। यानी कि रेक और निचलका बड़ा तो अंदर फिगर, ऊपर का बड़ा तो बाहर, तो फिगर अंदर बन रहा है ना, तो अंदर बन रहा है उस स्थिति में क्या करेंगे, अंतिम वाला से कथी वाला से मिला देंगे, कथी करेंगे, ठीक, अंतिम वाला से कथी किए, मिला दिए, कोई दिक्कत, मिलाने के बाद फिर चाप लेंगे, जो प्रोसेस किए थे याद है ना, वो काम करेंगे, इससे ज्यादा लो या इससे कम लो, थोड़ा मर्जी, ठीक है, ठीक है, ज्यादा भी ले सकते हो या कम भी ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया चाप, यही चाप कहाँ खींचेंगे, 2 है तो 2 पर, 1 है तो 1 पर, 3 है तो जितना का है उतना पर, तो ऊपर का देखेंगे, 2 पर है फिर ऐसा खींचेंगे, तेरी बाहर जाएगा, यही चाप, चाप चलेंगे, इसको मापेंगे, माप ले भाई, चलो मानो यहाँ कटा, अब इसको इससे मिला देंगे, B2 से, यहाँ थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना, आप लोग बनाओगे तो परफेक्ट, अभी कॉपी पर बनाएंगे तो चलो मान लो यहाँ कटा, कहाँ कटा, यहाँ कटा, ठीक है, ठीक, कथी करें B2 से मिला दिए, अब समांतर लग रहा है, इसका नाम दे दे C-, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला रख लेना, यहाँ पे चेंज भी कर सकते, जरूरी नहीं, जितना लिया था ना मिला लेना, मिलाना चाहो तो मिला लेगा तो ठीक रहेगा, ना तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम कोशिश करके ये रख लेते, ये वाला फिर से चाप मिलाएंगे, ये वाला और ये चाप यहाँ खींचेंगे, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे वो चाप लिए, ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर इस पे भी खींचेंगे, इस बिंदु पर भी वो चाप खींचेंगे, ठीक है, इसको फिर मापेंगे, ठीक है, माप लिए, इसको मापेंगे, मापने के बाद इसको कथी करेंगे, इससे मिला देंगे, मिला दे भाई, इससे मिलाएंगे, ठीक है, हो गया। चलिए ये दोनों देखो तो लग रहा है, इसका इसका नाम कथी हो गया ए डैश, तो देखो त्रिभुज बना, फिर बना कि नहीं, वो त्रिभुज पहले तो ही बना था, अरे फिर ही त्रिभुज बना, अंदर बना कि नहीं, समझ में आया, आ जा कॉपी पर देखते इसको। चलिए कितना बोला है आपको पता है ना, थोड़ा सा इसको और छोटा कर ले, मतलब नीचे कर ले, कर इधर नीचे ही है ना, यहाँ से लफा देते हैं कि दिखेगा, ठीक है। पहले कितना लेना है बुआ, 5 cm, ना, ये हो गया 0, पांच 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 यही है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कितना का चाप लेंगे, 4 का 4, यहाँ रखो माप लो, कहीं भी रख के माप सकता है, जरूरी नहीं कहती रखे, ठीक है, चल माप लिए ना, देखो है ना, आरती देखो भाई, थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा और, ठीक है, अब कितना लेंगे, 6 सी, हो गया नहीं, 6, कहाँ से काटेंगे अब, यहाँ से 10 को बिंदु नहीं देना, ठीक है, मिला देंगे, ऐसे रख लो, तब ऐसे करो, इसको ऐसे करके मिला, ठीक है,
हो गया है। अब क्या करोगे हम लोग, नीम को नया बनाओगे, इन्हें काम करना है। चलो अब पत लेंगे इस पे चाप, कहो चाप लेंगे, हाँ केस में लगाया वाला चाप नहीं लेना है, ज्यादा डबल भी नहीं लेना। चलो जाओ अतरस के उधर ध्यान है, ध्यान दो जा। ये हो गया, तीन को देना है, ठीक है हो गया तीन को। चलो नाम दे दो भाई, इसका नाम कथी है बी, इसका सी, इसका ए, तो बी वन हो गया, बी टू हो गया, बी थ्री, बताओ क्या करें। किसको नाम बोलो, सी को, सी को मिलाएंगे, ठीक है चले मिलाइए, मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे चाप लेंगे को, छोटा लो, छोटा छोटा लोगो तो फ्रेश नहीं आएगा, थोड़ा सा बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले लिए। फिर बी टू पढ़ लेंगे, क्योंकि दो बटा तीन गुनी बोला है, ठीक है चलो दिख रहा है, इसको माप लीजिए। अब अच्छा किसी का सेम सेम भी हो सकता है दोनों चाप मापने वाला भी, इसको कोई दिक्कत नहीं, हरदार ना जाना, कभी कभी सेम ना भी होगा, है ना। चलो काट दिए, किससे मिलाएंगे, बी टू से, ऐसे रख लो सबसे अच्छा। इसको सीधा करना तब कटेगा भाई, इसको मिला हो गया, थोड़ा सा कर्व लग रहा है, ठीक है देखो यहाँ कर्व हुआ ना, टेढ़ हो गया थोड़ा। चलो इसको फिर से क्या करो, एकदम आप लो, ठीक है चलो अब यहाँ रखेंगे, इन नहीं हो मापोगे तो अलग रखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, फिर माप के करोगे तो आसान होगा, ठीक है। फिर इस पर, इस बिंदु पे ध्यान रखना, ठीक है अब इसको मापना है, ठीक है फिर यहाँ पे रखना है, कट इससे मिलाना है, बन गया। इसका नाम दे देंगे ए डैश, हो गया इसका सी डैश, ये हो गया। हाँ इसका लंबाई पूरा कितना है भाई, 4 cm, 6 cm, 5 cm, ठीक है चलिए। और इसका रचना का चरण हम लोग कल लिखेंगे, टाइम ज्यादा हो गया, आप लोग क्या कीजिए इसका प्रैक्टिस करके आएगा दोनों फिगर का, ठीक है ओके चलिए आज भर रहने दीजिए।